वेलकम गाइस, मैं हूं उमेश पंचाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको किस तरह से गणपति बाबा को कलरिंग की जा सकती है वो बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको मैं सिंहासन को किस तरह से कलरिंग की जा सकती है वो भी बताऊंगा। तो इसके पहले भी वीडियो में मैंने गाइस किस तरह से कलरिंग की जा सकती है गणपति बाबा को और किस तरह से शाडो मिट्टी से गणपति बाबा बनाया जा सकता है वो भी अपलोड किया है। तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। और एक वीडियो आने वाला है गाइस, उसमें भी मैं किस तरह से कलरिंग की जा सकती है वो बताऊंगा। और जल्दी आ जाएगा गाइस, 2 दिन में आ जाएगा ये वीडियो। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जल्दी कीजिए। तो वीडियो अभी करते हैं हम शुरू। सो गाइस, तो ये है मल्हार का गणपति और इसे मैं करूँगा पूरी तरह से कलरिंग। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से कलरिंग किया जा सकता है। उसका बैकग्राउंड जो सिंहासन है उसे भी मैं कलरिंग करके बताऊंगा। फर्स्ट कौन सा कलर मारा जाता है वो भी बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है और आने वाला वीडियो भी अभी बेहतरीन है, उसमें भी मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है। वो आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। और इसके पहले का वीडियो पूरा गाइडेंस ये ट्यूटोरियल है, उसमें मैंने आपको किस तरह से गणपति बाप्पा शाडू माती का बनाया जा सकता है वो बताया था। तो प्लीज़ वो वीडियो एक बार जरूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। तो इसी तरह से मैं आपको और एक वीडियो लाऊंगा, वो भी पूरा ट्यूटोरियल है, उसे भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यह अभी मल्हार का गणपति को हम कलरिंग करने के लिए शुरू करते हैं। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय जी
धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे
सो देखो गाइज अभी ये कितने अच्छे तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से और एक कोरोना गणपति का ट्यूटोरियल आ जाएगा, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ये वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। देखा आपने किस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, इसका पीछे वाला सिंहासन भी मैंने किस तरह से शेड किया है वो भी बताया है, और ये अभी कंप्लीट हो चुका है देखिए। तो ये अभी पूरा दिखा देता हूँ मैं गणपति, और अगला वीडियो जल्द ही आ जाएगा।